अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बनाएंगे चिकन यखनी पुलाव। बड़ी ही आसान सी रेसिपी है ये, तो चलिए सबसे पहले आप इसके लिए चीज़ें नोट कर लें। हमने यहाँ पे लिया है 1 kg चिकन, 1 tablespoon ज़ीरा है हमारे पास, आप इसके जगह में धनिया का भी यूज़ कर सकते हैं, 1 tablespoon सौंफ है हमारे पास, 1 medium size प्याज है हमारे पास, 5 से 6 लहसुन के टुकड़े ले लें, 2 तेज पत्ते ले लें, 2 से 3 हरी इलायची ले लें, 2 से 3 लौंग ले लें, 1 बड़ी इलायची ले लें, सॉल्ट है हमारे पास, आप अपने टेस्ट के हिसाब से लें, क्योंकि हमने सॉल्ट को यखनी में भी यूज़ करना है, गोश्त में भी, और अगर आप यखनी में पानी ऐड करते पुलाव बनाने के टाइम, तब भी हमने सॉल्ट को यूज़ करना है। यहाँ पे 3 medium size प्याज है हमारे पास, 1.5 बड़ी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1/2 कप दही है हमारे पास, 1.5 छोटी चम्मच ज़ीरा पाउडर है, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर है, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर है, और हम पेपर यूज़ करेंगे 1/4 teaspoon। यहाँ पे हमने 2 कप बासमती राइस को अच्छे से वॉश करके इसे पानी में भिगो के रखा हुआ है 1/2 घंटे के लिए। एक बार 1/2 घंटे हो जाए, फिर हम सारे के सारे पानी को ड्रेन करके इसका पुलाव बनाएंगे। इस पुलाव को बनाने के लिए सबसे पहले हमें तैयार करना है यखनी। यखनी तैयार करने के लिए हम सबसे पहले एक डेगची में 2 teaspoon घी ऐड करें, और जैसे ही हमारा घी मेल्ट हो जाए, हम उसमें ज़ीरा और सौंफ ऐड कर दें। इन्हें हम 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में यूं भून लें। 1 मिनट के बाद हम इसमें चिकन के पीसेस ऐड कर दें, और इन्हें हमने यूं ही 2 से 3 मिनट के लिए भूनना है मीडियम फ्लेम में। अब हम इसमें सॉल्ट ऐड करें और इसे अच्छे से मिक्स करके हम इसमें 4 कप पानी का ऐड कर दें। इसे मिक्स करके अब हम इसमें 1 medium size प्याज डाल दें, और 5 से 6 लहसुन के टुकड़े जो हमारे पास हैं, हम इन्हें भी इस कदर डाल के इसे ढक्कन से ढक के 5 से 7 मिनट के लिए हाई फ्लेम में अच्छे से बॉईल होने दें। 7 मिनट के बाद हमारा जो चिकन है वो बड़े ही अच्छे से बॉईल हो गया है। अब हम चिकन के पीसेस को निकाल लें। चिकन के पीसेस को निकालने के टाइम हम कोशिश करें कि ज़ीरा और सौंफ को हम पानी में ही छोड़ दें, सिर्फ चिकन के पीसेस को ही निकालें। एक बार हम सारे के सारे पीसेस को निकाल लें, फिर हम सारे के सारे पानी को यूं ड्रेन कर दें। अब आप देख सकते हैं हमारा यखनी बनकर तैयार है। हम पानी की जगह इस यखनी का यूज़ करेंगे पुलाव बनाने के लिए। अगर आपने यखनी कम पड़ रहा हो तो आप इसमें पानी का बेशक ऐड कर सकते हैं। अगर आप पानी ऐड कर रहे हो तो आपको इसमें सॉल्ट भी ऐड करना होगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं चिकन बनाना। चिकन बनाने के लिए सबसे पहले हम इसमें 2 tablespoon ऑयल ऐड करें, और जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाए हम उसमें गरम मसाले डाल दें। अब हम इसमें प्याज भी ऐड करें, और प्याज को हमने हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने देना है। एक बार हमारा प्याज हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए, फिर हम इसमें चिकन के पीसेस ऐड कर दें। अब हम इन्हें यूं ही 2 से 3 मिनट के लिए भून लें। अब जाके हम इसमें 1 छोटी चम्मच नमक ऐड करें। नमक ऐड करने के टाइम में आपको ध्यान रखना है कि हमने यखनी में नमक ऐड किया हुआ है, तो आप इसे बड़े ही ध्यान से ऐड करें, और साथ ही साथ 1/4 teaspoon पेपर भी आप इसमें डाल दें। अब हम इन्हें 5 से 7 मिनट के लिए यूं ही भुनें। एक बार ये अच्छे से भुन जाए, फिर हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके इसे और 2 से 3 मिनट के लिए भून लें। अब हम इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड करें, लाल मिर्ची का पाउडर ऐड करें, और साथ ही साथ हम इसमें गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर दें। अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट के लिए यूं ही मसालों को भुनें। अब जाके हम इसमें दही ऐड करें। दही ऐड करके हमने अब अच्छे से इसे भूनना है, जब तक कि हमें इसका ऑयल नज़र ना आने लगे।
अब आप देख सकते हैं कि इसने ऑयल रिलीज करना शुरू कर दिया है। इसका ये मतलब है कि हमारे जो मसाले हैं वो बड़ी अच्छे से भुन चुके हैं। अब हम इसमें यखनी ऐड करेंगे। हमने यहाँ पे 4 कप यखनी का यूज़ किया है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप इसमें बेशक पानी का ऐड कर सकते हैं, और सॉल्ट कम होने से आप इसमें सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स करके इन्हें ढक्कन से ढक के इसमें एक बॉईल आने का वेट करें। पानी जब इस कदर बॉईल होने लगे तब इस स्टेज में हम चावल ऐड करें और इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लें। अब हम इन्हें कवर करके इसे 90% के लिए यूं ही कुक होने दें। ध्यान रहे हमारा फ्लेम हाई होना चाहिए। जब हमारा चावल 90% कुक हो जाए, यानी कि हमें पानी का अंश बिल्कुल भी नज़र ना आए, उस स्टेज में हम इसमें हल्का सा गरम मसाला लेकर यूं छिड़क दें और फिर हम एक एल्युमिनियम फॉयल से इसे अच्छे से सील करें और ढक्कन ढक के इसे 15 मिनट के लिए लो फ्लेम में दम पे रहने दें। 15 मिनट के बाद हम ढक्कन को यूं खोलें, चावलों को हम चेक करें। हमारा चावल जो है वो बनकर बिल्कुल तैयार है, बड़ा ही अच्छा बना है ये। अब हम अपने यखनी पुलाव को सर्व करें। बड़ा ही इजी सा रेसिपी है ये, तो आप लोग मेरे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। एक बार फिर मिलते हैं एक नई और सिंपल सी रेसिपी के साथ। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।